हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर, और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। यानी कि अगर आपको कोई ताने मारते हैं, जो कि अमूमन होता ही है अपने आस पड़ोस में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी सफलता को देख के, कि आप तो हुए नहीं सफल, या असफलता को देख के कुछ तंज कसते हैं, तो उनको मुंह से जवाब जवाब देने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखो, हार्डवर्क करते रहो, जिस दिन आपकी सफलता होगी ना, उनके मुंह पे अपने आप तमाचे पड़ेंगे, राइट? तो आपको इस चीज़ को सोच विचार करके अपना खून जलाने का या उस पर टाइम वेस्ट करने का कि मैं अब ये करूँगा वो करूँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना काम करते रहो ईमानदारी से, और जब आप सफल हो जाएंगे तो सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। With initiatives like study in India and the recognition of qualifications of other countries, बोल रहे हैं कि इस तरीके के प्रयास, जैसे कि study in India के जैसे प्रयास, और साथ ही साथ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के, दूसरे कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसको हिंदुस्तान में मान्यता देना। इंडिया इज पोजिशनिंग इट्स सेल्फ एज अ ग्रोइंग हब फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। हिंदुस्तान अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि हम एक एजुकेशन हब है, एक केंद्र है, गढ़ है, किसका? इंटरनेशनल एजुकेशन का। उस ओर हम बढ़ रहे हैं। इंडिया ऑफर्स ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स। हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा, ट्रमेंडस मतलब बहुत वास्ट, बहुत मेजॉरिटी में, बहुत विशाल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। द एजुकेशन इज नो डिफरेंट। और इसी पूरे क्रमबद्ध तरीके में एजुकेशन भी कुछ अलग नहीं है, वो भी इसी का हिस्सा है, कि अब हम एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जा रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर वॉज इन्विसेज्ड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP। बोल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को इंटरनेशनलाइज करना, दुनिया भर के स्कूल कॉलेजेस के साथ के लेवल पे लेकर आना, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स को इंडिया में आने के आमंत्रण देना, इंडियन इंस्टीट्यूट्स को उनके साथ में कोलैबोरेशन करना। इसका शुरुआत कब हुआ था? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई थी, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन इफेक्टिव स्टेप्स ओवर द लास्ट 4 ईयर्स टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। और भारत सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रभावशाली कदम उठाए हैं पिछले 4 साल में इस दिशा में काम करने की तरफ, इस दिशा की ओर बढ़ने की तरफ। इनिशिएटिव्स सच एज स्टडी इन इंडिया, फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटिंग अप कैंपसेस इन इंडिया। अब इसके अंदर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे कि स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया के अंदर क्या किया गया है, फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, FHEIs, इनको हिंदुस्तान में अपने कैंपसेस बनाने की अनुमति दी गई। कोलैबोरेशंस विद बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड FHEIs एंड म्यूचुअल रिकोगशन ऑफ क्वालिफिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। क्या किया गया, पहला तो बता दिया कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे अपने कैंपस इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया, ठीक है, अनुमति दी गई। उसके बाद में कोलैबोरेशन करना है, इंडिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं वो, और कोई फॉरेन कंट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके बीच में कोलैबोरेशन करना, ठीक है। और उसके अलावा कि जो फॉरेन कंट्री से कोई अगर बच्चा डिग्री कर कर आता है तो उसको हिंदुस्तान में भी मान्यता दी जाए, उसी डिग्री को उस तरीके के लेवल पर क्वालिफाई किया जाए, मान्य वैध माना जाए। ये सब क्या है, ये सब है पॉजिटिव रिजल्ट्स, इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरह देखा जा रहा है। Enabling FHEIs to set up campuses in India was allowed through Gujarat International Finance Tech City, Gift City regulations as well as by the University Grants Commission. अब ये जो foreign education institutes हैं उनको हिंदुस्तान में campuses जब लगाने का ये मौका दिया, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये किया गया जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी जिसको बोला जाता है, उसके प्रावधानों के तहत, एज वेल एज साथ ही साथ जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा ये किया गया। दीज रेगुलेशंस एम टू अट्रैक्ट टॉप रैंक्ड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू इंडिया एंड ऑफर इंडियन स्टूडेंट्स अ चांस टू अवेल ग्लोबल सर्टिफिकेशंस एट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल कॉस्ट इन देयर होम कंट्री।
अब इन रेगुलेशंस का उद्देश्य क्या है? इन नियमों का उद्देश्य ये है कि हम दुनिया की जो सबसे टॉप रैंक के इन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम हिंदुस्तान में अट्रैक्ट करें, उनको बुलाएं हिंदुस्तान में, ठीक है? और जिसके तहत हिंदुस्तान में बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को टॉप क्लास ग्लोबल लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, वो हिंदुस्तान में ही अपने ही घर में रह के काफ़ी कम कीमत पे करने का मौका मिल सके, ये इसका उद्देश्य था। वी हैव ऑलरेडी सीन डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑपरेशनलाइज इट्स कैंपस इन जुलाई दिस ईयर। हमने ऑलरेडी एक डेक्कन यूनिवर्सिटी है, उसने अपना जो कैंपस है उसको चालू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है जुलाई, इस साल के जुलाई से, और ये हम देख चुके हैं। एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग प्रिपेयरिंग फॉर देयर लॉन्च, और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग जो है वो अपना लॉन्च तैयार करने वाली है, यानी कि वो भी जल्द ही अपना कैंपस जो है स्टार्ट करने वाली है, और ये दोनों ही कहाँ है? बोथ एट गिफ्ट सिटी, गुजरात में है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके, साउथहैम्पटन यूके की एक यूनिवर्सिटी है, रैंक 80th इन दी 2025 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स, जिसका कि 80वां रैंक है 2025 के, जो दुनिया भर के वर्ल्ड रैंकिंग्स में यूनिवर्सिटी आती है उसमें 80वां रैंक है इसका। बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू रिसीव अ लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इट्स कैंपस इन इंडिया। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको भारत सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट लिख के दिया कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे देश में आके अपना जो अपने कैंपस है वो इस्टेब्लिश करें। तो पहला किसको दिया गया लेटर ऑफ इंटेंट? लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके को, ठीक है। वी आर ऑल्सो सीइंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस सेट अप कैंपसेस ओवरसीज एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन इनिशिएटिव। और जो हमारा इंटरनेशनलाइज करने का, हमारी एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करने का जो एक प्रयास है, उसके तहत हमने इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं बाहर के देशों में भी अपने कैंपसेस बनाते हुए देखे। जैसे कि IIT Delhi has set up its first international campus in Abu Dhabi and IIT Madras has located its first overseas campus in Zanzibar। तो बोल रहे हैं कि IIT Delhi ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में खोला और IIT Madras ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस जानजिबर में खोला, ठीक है। द UGC इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस गाइडलाइंस एनेबल्स IOEs टू सेट अप देयर कैंपसेस ओवरसीज एंड BITS Pilani एंड मणिपाल अकादमी टुक एडवांटेज ऑफ द विंडो टू डू देयर फॉरेस्ट आउटसाइड इंडिया। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? उनका जो भी प्रयास है, उनका जो भी एफर्ट है। तो बोल रहे हैं कि UGC इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस IOE की गाइडलाइन के अनुरूप ये एनेबल करता है कि जितने भी IOC हैं, IOEs हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो हैं, वो क्या करें, वो अपने कैंपसेस ओवरसीज में लगा सकें। और इसका फ़ायदा BITS Pilani और मणिपाल अकेडमी ने इसका फ़ायदा उठाया, जो इनको थोड़ा सा विंडो यानी कि थोड़ा सा अवसर मिला इनको, उसमें उन्होंने अपना जो भी फॉरे है, अपना जो भी प्रयास है वो करने का, इनने इंडिया से बाहर जो भी वो प्रयास कर सकते थे वो उनने किया, उसका फ़ायदा उठाया मौके का। वाइल देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू सेटअप देयर कैंपसेस ओवरसीज, बोल रहे हैं हालांकि बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो अपने कैंपसेस ओवरसीज में लगाना चाहती हैं। प्रोमलगेटिंग एंड इनेबलिंग फ्रेमवर्क थ्रू रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट वुड कैटलाइज दिस इंटरेस्ट फर्दर। प्रोमलगेटिंग मतलब प्रचार करना, किसको? इनेबलिंग फ्रेमवर्क, इनेबलिंग फ्रेमवर्क मतलब कि जो इस पूरे प्रक्रिया को सक्षम बना सके, इस पूरी प्रक्रिया को, जो इस पूरे ढांचे को एकदम सटीक रूप से हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ऐसा कार्यक्रम हो थ्रू रेगुलेशंस। ये कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब रेगुलेशंस जो है सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं वुड कैटलाइज, कैटलाइज करना मतलब उनको स्टिमुलेट करना, उनको एक्सेलरेट करना या प्रमोट करना, वो प्रॉम्प्ट करें उनके इंटरेस्ट को फर्दर, यानी कि और इनके इंटरेस्ट को बढ़ाएं, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। In May 2022, the government revamped the collaboration guidelines to allow for joint degree. बोल रहे हैं मई 2022 में सरकार ने रीवैम्प किया, रीवैम्प किया मतलब सुधारा। क्या सुधारा? जो कोलैबोरेशन गाइडलाइंस की, अगर एक यूके की यूनिवर्सिटी है और एक इंडिया की यूनिवर्सिटी, ये दोनों हिंदुस्तान में अपना कैंपस लगाना चाहते हैं, तो उसके जो भी नियम होंगे उनको क्या किया, उन गाइडलाइंस को उन्होंने रीवैम्प करा, कुछ उनमें सुधार लाए।
जिसके तहत अब इन कौन से गाइडलाइंस को सुधारा, जिसके तहत आप जॉइंट डिग्री, डुअल डिग्री या ट्विनिंग प्रोग्राम्स हिंदुस्तान इंडियन इंस्टीट्यूशंस और FEIHs के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों इंस्टीट्यूट्स मिलके अगर कोई ज्वाइंट डिग्री दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, कोई डुअल कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कोई ट्विनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो नियम है उनको सुधारा गया मई 2022 में। वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन दिस स्पेस। हमने पहले ही इस दिशा में बहुत ज़्यादा, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन, मतलब कि प्रगति, मतलब कि गति यहाँ पे देखी है। विद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाइंग अप विद डेक्कन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और बोल रहे हैं इसमें क्या देखा है हमने कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो डेक्कन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है, उसके साथ में कोलैबोरेट कर रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफरिंग डुअल डिग्रीज विद दी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न बींग सम रीसेंट एग्जाम्पल्स, और वहीं शूलिनी यूनिवर्सिटी ने डुअल डिग्री ऑफर करी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ में मिलकर। ये कुछ रीसेंट हाल फिलहाल के उदाहरण हैं। स्टडिंग इन इंडिया इज अनदर इनिशिएटिव टुवर्ड्स दी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब अगर बाहर के स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में आके पढ़ाई करना चाहें तो उनके लोग, वो भी तो इंटरनेशनलाइजेशन ही होगा ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का, तो उसको भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही हिस्सा माना जाता है, और ये एक और कदम है। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लाइन विद पीएम मोदीज विजन। ये एक बहुत ही प्रमुख, मेन लीडिंग जो है प्रोग्राम है भारत सरकार का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ में, यानी कि उनका जो एक सपना है, एक उद्देश्य है, उसके साथ में मेल खाता है। द वेबसाइट पोर्टल एक्ट्स एज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर एडमिशन एंड वीजा एप्लीकेशन फॉर फॉरन स्टूडेंट्स वॉन्टिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया। बोल रहे हैं जो वेबसाइट पोर्टल्स बनाए गए हैं वो सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह पे आपका सारा काम हो जाएगा, एक ही जगह पे आपको सारा जो है फॉर्म भरना है और सब कुछ, वो सारा फैसिलिटी वहीं मिल जाएगी। एडमिशन के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स के, जो कि हिंदुस्तान में आके हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए वेबसाइट पोर्टल जो कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है वो बनाया गया है। विद मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टरिंग थ्रू दिस पोर्टल, और ऑलरेडी 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस पोर्टल से अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। इसका फ़ायदा, ये जो स्कीम हम चला रहे हैं उसका फ़ायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं। द बैटन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो बींग टेकन फॉरवर्ड थ्रू दी साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टेक द बैटन का मतलब होता है कि आपने पूरा जिम्मेदारी ले ली है, तो बोल रहे हैं जो इंटरनेशनलाइजेशन करना है हमने एजुकेशन सिस्टम का, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए पूरी की जा रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा रहा है। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, मैंने किसी कंपनी के साथ में कर लिया मान लो, तो वो मुझे उनकी टेक्निक्स, उनका टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मेरे पास जो भी चीज़ है सब समझाने के लिए टेक्नोलॉजी है वो हम कर रहे हैं। यूजुअली दो कंट्रीज आपस में टेक्निकल फील्ड में ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर अपनी एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एंड द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, और एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है वो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। मैंने मेरे देश से डिग्री करी है इंजीनियरिंग में, वो दूसरे देश में भी वैलिड होगी, मान्य होगी कि ये इंजीनियर है, ठीक है। कोई दूसरा बच्चा बाहर से कर आ रहा है, वो हमारे देश में भी मान्य होगी कि ये इंजीनियर है, इसने इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग करी हुई है। हो सकता है हमारे देश में कोर्स 4 साल का, किसी देश में 3 साल का हो सकता है कि हमारे देश में 4 साल का, किसी देश में 5 साल का हो, लेकिन वो वैलिड होगा, ठीक है। वहां पे ईयर का जो डिफरेंस आ रहा है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा हमने साइन किया है। विच एम्स टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी एक दूसरे के यहाँ पे जा सकें। अब मैं MBA करके, या मैंने मान लो मास्टर्स कर ली इंजीनियरिंग में, अब मैं हिंदुस्तान में मास्टर्स करके MTech करके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, मैं MTech करके पॉलिटेक्निकल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मान लो कि बाहर के देश में कोई क्वालिफिकेशन अलग है कि हमें तो BSc वाला बंदा चाहिए। लेकिन अब अगर जब हमने ये चीज़ साइन कर ली, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन साइन कर ली, मतलब मैं MTech करके बाहर भी पढ़ा सकती हूँ, अगर मेरे को ऑफर आता है और मैं अच्छी हूँ अपनी फील्ड में तो मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। अगर वो चाहें तो मुझे रख सकते हैं, हायर कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि नहीं हमें तो BSc वाला ही चाहिए, वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है।
देयर आर अराउंड 50+ एक्टिव MOUs इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी. बोल रहे हैं 50 से भी ज़्यादा एक्टिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हमने साइन किए हैं वो अभी इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं, विद अ फ्यू अंडर नेगोसिएशन, और कुछ के ऊपर बातचीत चल रही है. MRQs हैव बीन साइंड विद अ फ्यू कंट्रीज एज वेल एज सम आर अंडर नेगोशिएशन. MRQ क्या है? वो जो रिकोगशन ऑफ क्वालिफिकेशन वाले, मेमोरेंडम ऑफ रिकोगशन ऑफ क्वालिफिकेशन, वो कुछ कंट्रीज के साथ में साइन हो चुके हैं और कुछ के साथ में भी बातचीत चल रही है. अ फैबुलस स्टार्ट टू एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप. तो अगर हम इसको पूरे जितना भी अभी तक कार्यक्रम हुआ है, जितना भी अभी तक प्रगति हुई है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है एक हिंदुस्तान के एजुकेशन के परिवेश को, एजुकेशन के पर्यावरण को बदलाव के तौर में ले जाने के वाली जो युग है उसकी एक बहुत ही उम्दा शुरुआत हुई है. इज देयर अ नीड टू डू मोर? क्या अब हमें और करना चाहिए? क्या आज आप खुद सोचो, इतना हमने कर लिया, बस काफ़ी है, और कुछ करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, और करना चाहिए, आगे बढ़ना है तो जितना हो गया उस पर टिक के नहीं बैठ सकते. अ मोर टारगेटेड अप्रोच प्रोबेबली थ्रू अ कैंपेन रन विद इंडियन कॉन्सुलेट्स इन ओवरसीज कंट्रीज. बोल रहे हैं हाँ, करना चाहिए, और ज़्यादा टारगेटेड अप्रोच रखनी चाहिए. टारगेटेड अप्रोच मतलब कि हमारा केंद्र बिंदु क्या है, हमारा असल उद्देश्य क्या है, किसको हम, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस है जिनको हम लेकर आना चाहते हैं, इसके अंदर दायरे में लेकर आना चाहते हैं, ये रखना चाहिए उनको ओपिनियन अपना. थ्रू अ कैंपेन रन, कैंपेन रन, कैंपेन्स वगैरह करने चाहिए विथ इंडियन कॉन्सुलेट. इंडियन कॉन्सुलेट क्या हो गया? भारतीय दूतावास के साथ में मिलके जो कि बाहर के देशों में शामिल हैं. कुड फर्दर द कॉज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. तो ये जो हमारा पूरा प्रयास है कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइज करें, उसको और ज़्यादा विस्तार कर सकता है और ज़्यादा आगे लेके जा सकता है. FHEIs आर नाउ री थिंकिंग देयर स्ट्रैटेजी. तो FHEIs जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से सोच विचार कर रहे हैं, उसको अब ये भी कुछ रिवैम्प करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को. पॉसिबली एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू टैप ओपन एन FHEI कैंपस इन इंडिया एंड ऑफर इटसेल्फ एन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन हब इन रीजन. बोल रहे हैं कि ये संभावना है कि भाई हिंदुस्तान जो है टैप ओपन कर सके. टैप ओपन करना मतलब उपयोग करना. एक FHEI कैंपस अगर हिंदुस्तान में खुल जाता तो उसका उपयोग कर सके हिंदुस्तान के अंदर ही, और खुद को दुनिया में एक एजुकेशन हब, ऑल्टरनेट एजुकेशन हब के तौर पे प्रेषित कर सके. अब होता क्या है कि हमारे भी बच्चे, जैसे हमारे इंडिया में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज में, कि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती है इसलिए बाहर की कंट्रीज में जाते हैं. अगर हम टॉप क्लास एजुकेशन अपने यहाँ पे इंडिया में प्रोवाइड करने लग जाएं तो और भी बहुत सारे देश हैं जो हमारे देश में आना चाहेंगे कि भाई नहीं, हिंदुस्तान में अच्छी एजुकेशन मिलती है, हम किसी दूसरे कंट्री जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ जाने के बजाय हिंदुस्तान में आएंगे. तो इससे क्या होगा, हिंदुस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, राइट. हिंदुस्तान का एक जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगी, हिंदुस्तान की वैल्यू और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाएगी. तो ये हमारे लिए बहुत एक बेनिफिशियल बात होगी. तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा. हिंदुस्तान का जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमने लॉन्च करा था उस दौरान से, उस समय से एक प्रयास चल रहा है कि हम अपनी एजुकेशन को बेहतर करें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें अपने ओर से, जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी हम अकोमोडेट कर सकें, और साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो और बाहर के कंट्रीज़ में हम अपने कैंपसेस खोल पाएँ, ठीक है. तो ये सब, और बाहर की कंट्रीज में जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स और उनको इतनी एक्सपेंसिव वहाँ पे एजुकेशन लेनी पड़ती है, तो उसका भी हम समाधान उनको यहीं पे दे पाए कि सस्ते दरों पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, जिनसे वो करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन उनको यहीं पे मिल जाए, ठीक है. इस तरीके के प्रयास सरकार करना चाह रही है. तो इन्हीं के ऊपर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या काम हो चुका है, क्या काम बाकी है, कितना हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, कितना काम अच्छा हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ. क्वेश्चन नंबर वन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. आप बताओ, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स आया कि ये सरकार ने गलत काम किया है, ये चीज़ गलत हो गई है? नहीं ना, सब चीज़ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव नज़रिए से देखी गई कि ये किया अच्छा काम किया, ये किया अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट्स बाहर खोल दिए अच्छा किया, बाहर के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे खोलने के लिए अच्छा काम किया, बच्चों को फ़ायदा होगा, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक है और प्रोत्साहित करने वाला है, इनकरेज किया जा रहा है कि हाँ अच्छा काम चल रहा है, आप ऐसे ही फर्दर आगे जो बातचीत चल रही है उसको कंटिन्यू करो, राइट. तो पेसिमिस्टिक या स्केप्टिकल नहीं है. स्केप्टिकल मतलब दुविधा में, तो दुविधा में नहीं है.
क्रिटिकल या फिर डिसअप्रूविंग कि राइटर मंजूर नहीं कर रहे, राइटर बोल रहे बहुत सरकार बेकार काम कर रही है, ऐसे पैसा उड़ाया जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, नहीं है, डिसअप्रूव नहीं किया। तो ऑप्टिमिस्टिक एंड इनकरेजिंग बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि ऑप्टिमिस्टिक और इनकरेजिंग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? द चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज एजुकेशन सेक्टर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बोल रहे हैं हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर को ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही। तो अभी हमने समस्याओं के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करी, हमने जो हमारा एक प्लान है कि हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइज करें, उसमें जो हमने तरक्की करी, उसमें जो हमारे पास बाधाएं आई, उसमें जो हमने प्रयास किए, उसके बारे में बात करी, ठीक है? तो ये इनकरेक्ट है। द प्रोग्रेस एंड इनिशिएटिव्स इन इंटरनेशनलाइजिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अलाइंग फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा क्या चीज़ हम समझ सकते हैं कि क्या पोटेंशियल बेनिफिट, क्या फायदे होंगे फॉरेन हायर एजुकेशन सिस्टम्स अगर हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस अपने हिंदुस्तान में कैंपस खोलते हैं, तो होगा ये कि हमारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को ग्लोबल लेवल की एजुकेशन हिंदुस्तान में रहकर ही सस्ती दरों पर मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बाहर के देशों में जैसे अमेरिका वगैरह जाते हैं, तो अब डॉलर अगर आज की डेट में 80 रुपए के पास पहुंचा हुआ है, दैट मीन्स कि हमें अगर हम वहाँ पे 1 डॉलर खर्च करना चाहें तो यहाँ के 80 रुपए होंगे, तो हम यहाँ पे 1 रुपया बेहतर खर्च नहीं कर ले, राइट? तो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा। इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल की एजुकेशन के लिए जा रहे हैं ना। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दीज रेगुलेशंस एम टू अट्रैक्ट टॉप रैंक ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन टू इंडिया एंड ऑफर इंडियन स्टूडेंट्स अ चांस टू अवेल ग्लोबल सर्टिफिकेशंस एट कंपैरेटिवली डैश कॉस्ट इन देयर होम कंट्री। तो कंपैरेटिवली कौन सी कॉस्ट होगी? अफोर्डेबल कॉस्ट होगी ना, बाहर के देशों के कंपैरिजन में अफोर्डेबल कॉस्ट। फर्स्ट है एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है हायर, जो कि यहाँ पे कॉस्ट कम करने की बात की जा रही है, उससे तो मेल नहीं खाता, तो इनकरेक्ट है। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि जो काफ़ी मतलब अनरीजनेबली हाई प्राइस हो, जैसे कि कोई चीज़ है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इतना प्राइस वाजिब है, वैलिड है, लेकिन कोई चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी नहीं फिर भी किसी ने बहुत ज़्यादा प्राइस लगाया तो वो अनरीजनेबली हायर प्राइस है, ठीक है? अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब सस्ती दर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव मतलब किसी चीज को अपने वर्जित किया है, बंद किया हुआ है, मना किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रोहिबिटिव, ऑप्शन सी अफोर्डेबल इज करेक्ट। व्हाट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन अग्रीमेंट्स दैट इंडिया इज साइनिंग विद अदर कंट्रीज। तो हिंदुस्तान जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन जो दूसरे कंट्रीज के साथ में साइन कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स या फैकल्टी एक्सचेंज हम पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है? कि अगर उनकी हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैलिड मान ली अपने देश में, तो जो एक व्यक्ति वहाँ पे एक टीचर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है, वो हिंदुस्तान में भी पढ़ा सकता है, राइट? टू रिड्यूस ट्रेड टैरिफ्स बिटवीन कंट्रीज, इनकरेक्ट है। टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म अब्रॉड, टूरिज्म का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। टू एस्टैब्लिश मिलिट्री अलायंसेस, इनकरेक्ट है। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव बिन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न, एम जो है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि अभी हुआ है, तो ये तो जब से पैदा हुआ है तब से बात करें तो अभी पैदा हुआ और अभी से हैदराबाद में रह रहा है, नहीं ना। सिंस आई वॉज बॉर्न, पास्ट की घटना है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं यहीं रह रहा हूँ, तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो सिंस आई वॉज बॉर्न आई हैव बीन लिविंग, बीन जो है वो बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आगे भी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वही होगा, सिंस आई वॉज बॉर्न, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो आप बुके वगैरह लेकर जाते हैं वो फ्लावर्स को कटिंग करके लगाया जाता है, लीव्स वगैरह उसमें कट करके लगाए जाते हैं, तो जो व्यक्ति वो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट,
ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट फर्स्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है जो व्यक्ति गार्डन वगैरह मैनेज करने की एजुकेशन सीख रहा हो, ठीक है, कल्टीवेशन वगैरह सीख रहा हो, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट होता है जो साइंटिस्ट होता है प्लांट्स वगैरह का, ठीक है। फ्लोरिस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो फूल पत्तियों को अरेंज करता है कटिंग करके। गार्डनर, गार्डनर मतलब माली, तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्लोरिस्ट इज करेक्ट। शी वॉज एलेटेड अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग फेल्ट क्वाइट डिसहार्टेंड। एंटोनिम बताना है इलेटेड का, इलेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, एक्साइटेड, प्रफुल्लित, ठीक है। तो अब वो अपने प्रमोशन के बारे में बहुत खुश थी, लेकिन उसका जो कलीग था वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। जाहिर सी बात है, दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, एक को प्रमोशन मिल गया तो वो आपके लिए तो खुश हो सकता है, लेकिन अपने लिए तो दुखी होगा ही ना वो, तो वो थोड़ा सा डिसहार्टेंड था। अब इलेटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है प्राउड, प्राउड तो इलेटेड से रिजेम्बलेंस रख सकता है कि आपको आपका प्रमोशन हुआ है, आप खुश भी हैं, आप गर्वित भी फील कर रहे हैं, राइट। तो प्राउड तो उससे रेलेवेंट हो सकता है, ये इनकरेक्ट है। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश, जो कि इनकरेक्ट है। चेयरफुल मतलब भी खुश। डिस्करेज, डिस्करेज मतलब निराश या हतोत्साहित। सो ऑप्शन डी डिस्करेज इज द एंटोनिम फॉर इलेटेड। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पे फल वगैरह उगाया जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। गार्डन, गार्डन में फूल पत्तियाँ, फल, फ्रूट, वेजिटेबल सब कुछ होता है। म्यूजियम, म्यूजियम में पुरानी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो देखें, जाने इनके बारे में, समझें, पर टच कोई ना करे, वो हो गया म्यूजियम। क्वे, क्वे एक ऐसा जगह जहाँ पे जहाज जो होते हैं शिप्स वगैरह, उनको प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है या फिर उनको ऊपर लेकर आया जाता है, समुद्र में डाला जाता है, वो होता है क्वे। और ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब वो जगह जहाँ पे फल लगे हों, फलों के प्लांट्स लगे हों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इन टू दैट ग्रुप। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, एक छोटा सा ग्रुप ऐसे लोगों का जो अपना सारा ज्यादातर समय खुद बिताते हैं एक साथ में, और दूसरे किसी को, बाहर के व्यक्ति को उसमें एंटर नहीं करने देते, यानी कि उनके इंटरेस्ट सेम है, तो वैसे ही लोग हैं। जैसे बुक क्लब हो गए, तो बुक क्लब में कोई पेंटर तो जाके क्या करेगा? बुक क्लब में जो वही व्यक्ति जाएगा ना जिसको बुक्स पढ़ना वगैरह अच्छा लगता है, तो बुकर्स क्लब हो गया, रीडर्स क्लब हो गया, पेंटर्स क्लब हो गया, तो वो क्या है? वो छोटा सा ग्रुप है लोगों का जिसमें वो अपने ही जैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और दूसरे लोगों को एंटर नहीं करने देते। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लिक। क्या बोलते हैं? क्लिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी। लॉबी, लॉबी मतलब ऐसा ग्रुप जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि बोलते हैं ना मूवीज में लॉबिंग चलती है कि भैया हम इस व्यक्ति के साथ में हमारी बनती नहीं है, तो आप इसको मूवीज में मत लो, जिसका कंगना रनौत बहुत बड़ी जिक्र करती हैं, राइट। तो कि वो लॉबी बना के चलते हैं, तो वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनको कास्ट ना करें। स्क्वाड, स्क्वाड मतलब दल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्लिक इज करेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा सिंपल फॉर्म में चल रहा है, राइट। अब सिंपल फॉर्म में अगर चल रहा है तो विल रिप्लेस कैसे आएगा? रिप्लेस तो पास की बात है, ये करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्प रिड्यूस करते हैं, तो क्या आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल के बजाय विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो एरर कहाँ है? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में एरर है। विल रिप्लेस्ड के बजाय क्या आएगा? विल रिप्लेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल दैन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बोल रहे हैं पास्ट में, इतिहास में कभी भी इतने बच्चे स्कूल में नहीं गए जितने अब जा रहे हैं। बट मोर चिल्ड्रन टूडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन पास्ट। और सेम, ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति बनी हुई है इस वक्त कि पास्ट में इतने बच्चे स्कूल कभी नहीं गए जितने अब जा रहे हैं, और वहीं साथ ही साथ ये भी सत्य है कि पास्ट में इतने बच्चे कभी स्कूल से बाहर नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं, ठीक है। विडंबना समाज की, समय की, वक्त की। बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट ऑफ फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन हम सारा का सारा दोष जो है इस
ये जो इस वक्त की घटना है, इस वक्त का जो ये परिवेश बना हुआ है, इसके लिए हम सारा का सारा दोष हाई बर्थ रेट्स को नहीं दे सकते कि बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं इसलिए बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इसलिए एडमिशन ज्यादा हो रहा है, तो हम सारा दोष इसके ऊपर नहीं दे सकते, राइट। अब ये बट से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो बट से स्टेटमेंट आ रहा है ना कि किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। कॉन्ट्राडिक्ट किसको कर रहा होगा? ए स्टेटमेंट में बच्चों की बात की गई है और बच्चों का जन्म से ही लेना देना होता है, ठीक है, तो हो सकता है ए स्टेटमेंट का ही कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा हो, यानी कि ए के बाद में बी आएगा। पर हम आगे देखते हैं, इनडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूड मास इलिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। लेकिन यकीनन हम ये जरूर तर्क दे सकते हैं कि बड़े पैमाने पे जो इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ हैं, वो रिजल्ट नहीं है हाई बर्थ रेट्स का, बल्कि वो कारण है हाई बर्थ रेट्स का। यानी कि क्योंकि लोग ज्यादा पैमाने पे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो ज्यादा इन चीजों में कि भाई परिवार नियोजन करना चाहिए, दो बच्चे दो ही अच्छे, इन सब चीजों में नहीं बिलीव करते। वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे हों उतने ज्यादा अर्निंग हैंड्स होंगे। लेकिन वहीं अगर पढ़े लिखे लोग होते तो उनको ये समझ में आता कि हमें इनके ऊपर पहले स्पेंड करना पड़ेगा, अर्निंग हैंड्स तो बाद में होंगे, पहले स्पेंड करना पड़ेगा। और स्पेंड करना पड़ेगा तो हमारे पास जितने संसाधन अवेलेबल है हम उसी में गुजारा कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस वो बताने की कोशिश करें कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे इसलिए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बी वाली स्टेटमेंट का ही आगे कॉन्ट्राडिक्शन है, तो नहीं, यानी कि ए बी सी। अब ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टूडे दैन एवर बिफोर, बोल रहे हैं आज हिंदुस्तान में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जितने पहले कभी नहीं थे, बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट्स देन एवर बिफोर। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज अनपढ़ लोग भी उतने हैं जितने पहले कभी नहीं थे, ठीक है। तो यानी कि अगर लिटरेसी रेट बढ़ा है तो इलिटरेसी रेट भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, डी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, डी के बाद में ए बी सी, डी ओपनिंग स्टेटमेंट, ए बी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑन द बॉल, अब इसको मीनिंग बताने वाला अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये बनना पता होना चाहिए। ऑन द बॉल का मतलब होता है कि जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, न्यूज़, कुछ भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, आप उससे अवेयर हैं, ये हो गया ऑन द बॉल। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, बिल्कुल करेक्ट है, आपको जो भी चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, उनके बारे में पता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही ट्राइड टू एलेविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स, एलेविएट का मतलब होता है कम करना, अब इसका सिनोनिम क्या होगा, उसने कोशिश करी कि अपने पड़ोसियों का जो दुख तकलीफ है उसको कम करने के प्रयास उसने किया। स्वेल, स्वेल मतलब सूजना या फिर बढ़ना, एड मतलब अगेन बढ़ाना, रिलीफ, रिलीफ आपको शांति मिलती है, किसी दर्द से राहत मिलती है तो क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिलीफ। सो ऑप्शन सी रिलीफ क्या है, सिनोनिम है एलेविएट का। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब उसकी गति बढ़ा देना, उसकी तीव्रता बढ़ा देना, यानी कि उसकी जो कितना वो दर्द आपको लेवल उसका क्या है वो बढ़ा देना। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, अब डरपोक का हमें क्या बताना है, एंटोनिम, तो डरपोक का एंटोनिम क्या होगा, बहादुर। मीक, मीक का मतलब होता है बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल शांत, क्वाइट। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब बहुत ज्यादा बहादुर। स्पूकी, स्पूकी का मतलब डरावना। एंशियस मतलब चिंतित, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेयरिंग इज द एंटोनिम फॉर टिमिड। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, हमें पता है बाय के बाद में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट, तो द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में इसने क्या ग्रैब किया, किया क्या, वर्ब क्या है हमारा, वॉज ग्रैब्ड, तो वॉज ग्रैब पास्ट में है, ठीक है। और क्या ग्रैब किया इसने, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब्स, अभी ग्रैब नहीं किया है, ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं, ठीक है, तो पास्ट की घटना होगी। देखे द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
स्पेलिंग एरर यहाँ पे ढूंढना है. ही हैज़ टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज पब्लिक मैनर्स एज ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ अ रेप्यूटेड फैमिली इन दिस रीजन. अब डिसेंडेंट के स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं. ऑप्शंस में देखो डिसेंडेंट के स्पेलिंग दिए हुए हैं. अब डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज. ठीक है, अब आप किसी अच्छे बहुत वेल रेप्यूटेड फैमिली के डिसेंडेंट हैं तो आपको अपने पब्लिक में आपका क्या आचरण रहेगा उसके बारे में सोचना समझना पड़ेगा. ठीक है, सावधान रहना पड़ेगा, सचेत. डिसेंडेंट के स्पेलिंग होते हैं डी ई एस सी ई एन डी ए एन टी. ठीक है, तो डी ई यहाँ पे डी आई है, डी ई सी डी ई एस सी ई एन डी ए एन टी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बाय होम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, कि तुम्हें ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाई जाती थी. तो बाय के बाद में होम है, होम का क्या बन जाएगा? हु हो जाएगा, क्योंकि हमें बाय हटाना है. बाय हटेगा तो होम का हु हो जाएगा. वॉज ग्रामर, वॉज ग्रामर बता रहा है कि पास्ट की घटना है, राइट. तो पास्ट की घटना है तो क्या आएगा? हु टॉट, सिंपल आ जाएगा. टू बी की फॉर्म आएगी हु टॉट यू ग्रामर. ठीक है, हु टॉट यू ग्रामर, यू वर टॉट ग्रामर बाय होम, हु टॉट यू ग्रामर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इक्विवोकल, इक्विवोकल का हमें सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना, यानी कि सिनोनिम बताना है. इक्विवोकल का मतलब होता है जिससे एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हो, जो अनसर्टेन हो, अनक्लियर हो, राइट. फर्स्ट है एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट. बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मतलब बिल्कुल संतुलित. क्लियर मतलब स्पष्ट. रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी का प्रतिनिधि. तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड एम्बिगस है जो अनक्लियर बताता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. कलीग के स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं. क्या होते हैं कलीग के स्पेलिंग? सी ओ डबल एल ई ए जी यू ई, कलीग. ठीक है, यानी कि जो हमारा सहयोगी है. कंसेंशस, कंसेंशस के स्पेलिंग भी इनकरेक्ट हैं. इसका मतलब होता है जो आम सहमति है, उसके स्पेलिंग होते हैं सी ओ एन एस ई एन एस यू एस, कंसेंसस. ऑन्ट्रप्रनोरशिप, ऑन्ट्रप्रनोरशिप बिल्कुल करेक्ट है. ऑन्ट्रप्रनोरशिप की स्पेलिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. और बिजार, बिजार मतलब विचित्र. बिजार के स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है. तो बिजार के स्पेलिंग बी आई जेड ए डबल आर ई, बिजार. सो ऑप्शन सी ऑन्ट्रप्रनोरशिप इज करेक्ट. द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-2031, बोल रहे हैं तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि 2017 से लेके 2031 तक के लिए बनाया गया है. अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है जो इंडिया का प्लान है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, हमारे जंगली जीव जंतुओं को बचाने का, उसको रेखांकित करता है. वॉज अनवेल्ड, अनवेल्ड मतलब उजागर करना, सबके सामने लाना. वॉज अनवेल्ड डैश द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस. अब कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर ही अनवेल किया गया था तो अनवेल्ड एट होगा. ठीक है, अनवेल्ड एट किसी जगह पे किया गया था. द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, वहां पे ये सबके सामने प्रेजेंट किया गया था. द प्लान रिकग्नाइजेस डैश एड्रेसेस कंसर्न्स पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ. तो रिकग्नाइजेस एंड एड्रेसेस हो सकता है कि ये जो प्लान है ये मानता है, जानता है, इस बात को स्वीकार करता है कि जो भी क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव वाइल्ड लाइफ के ऊपर हो रहे हैं उनको मानता है, और साथ ही साथ उनको एड्रेस भी करता है. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है एंड होने की. द प्लान डिटेल्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन. जो प्लान है वो इन डिटेल बताता है जो इम्पॉर्टेंस है फूड प्रोडक्शन की, उसको बताता है, उस इकोसिस्टम को पूरे को समझाता है, हेल्थ को समझाता है, अदर एस्पेक्ट्स को, कि इकोसिस्टम का इन सब चीज़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझाता है. ऑफ डैश सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑफ सस्टेनेबल सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, राइट. या किस तरीके का सर्वाइवल, जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. हेल्दी सर्वाइवल हो सकता है. इट ऑल्सो एम्फसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डैश. इसमें इस बात के ऊपर भी जोर दिया जाता है कि हमारे जेनेटिक डैश के ऊपर हम उसको भी प्रिजर्व करें. एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स विच हैज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन आर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स. और हमें उन प्रजातियों को, उन इकोसिस्टम्स को सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिनका कि साइंटिफिक एडवांसमेंट के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, और जिनके ऊपर भी डायरेक्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स का प्रभाव पड़ता है. एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज, और जो हमारे कई सारे जो
आदिवासी लोग हैं, समुदाय के लोग हैं या फिर गांव के लोग हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हमें इस इकोसिस्टम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। जो प्लान है वो हाईलाइट करता है कि जो भी खतरे में वाइल्ड लाइफ प्रजातियां हैं, हमको उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह सही ढंग से लेके जाना पड़ेगा। डैश इनलैंड इक्वेटिक, चाहे वो इनलैंड इक्वेटिक हो, यानी कि इनलैंड इक्वेटिक मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं या जो जमीन के ऊपर जो पानी होता है वहां पे रहते हैं, कोस्टल, कोस्टल मतलब समुद्र किनारे में जो रहते हैं, और मरीन जो समुद्र के अंदर रहते हैं, वाइल कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स, और उनके जो हैबिटेट्स यानी कि उनका जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे वो रहते हैं उनको भी हमें कंजर्व करना पड़े चाहिए साथ साथ। ठीक है, अब चलते हैं। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-31 अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवेल्ड डैश अनवेल्ड फॉर तो नहीं आएगा, फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए, एट इस कॉन्फ्रेंस में किया गया था ना, तो एट आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्लान रिकॉग्नाइजेस डैश एड्रेसेस, रिकॉग्नाइजेस इन एड्रेसेस, मानता है किसी चीज मानता है उसके सोल्यूशन के अंदर मानता है, तो सोल्यूशन के अंदर तो नहीं मानता, टू भी नहीं आएगा, एंड आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिकॉग्नाइजेस एंड एड्रेसेस द कंसर्न्स पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज। द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डैश सर्वाइवल। हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके बारे में बात करें। ब्रीड, ब्रीड मतलब किसी एक प्रजाति की, ठीक है, स्पीशीज, स्पीशीज भी प्रजातियों को ही बोला गया है, ग्रुप, ग्रुप भी समूह को बोला गया, ह्यूमन इंसानों के सर्वाइवल के लिए, किसी दूसरे के सर्वाइवल के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी हो ना, इंसान उसकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है कम से कम उसकी तो कदर करें हम, राइट। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डैश एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। जेनेटिक फर्स्ट है कन्फ्लिक्ट, तो जेनेटिक कन्फ्लिक्ट को हमने क्यों प्रिजर्व करना है, कोई ऐसी प्रजाति है जो हमारे लिए हमेशा से ही खतरा बन के रही हो, या हम उसको क्यों प्रिजर्व करेंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है हम उनको नहीं प्रिजर्व करेंगे। रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब किसी को नकारना। फोकस, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जो भिन्नता है, जीन्स की जो भिन्नता है, विविधता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज डैश इनलैंड एक्वेटिक इंक्लूडिंग, ऑप्शन ए इंक्लूडिंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।